आशुतोष से पूछिए ना, क्यों किया, कैसे किया, नहीं किया, हमको क्या पता। मनीष के बारे में, मनीष के बारे में। हाँ तो मनीष के बारे में आशुतोष बताया ना, तो आशुतोष से प्रूफ मांगिए ना। मनीष जी छात्रों को रहने के लिए खेमनी चक लेकर गए थे 4 मई। कोई जानकारी नहीं है। कहाँ है मनीष जी? हमको जानकारी नहीं है। आप पत्नी, आपको जानकारी क्यों नहीं है? नहीं है जानकारी, क्या कहना है? अरे तो बताइए तो, पति के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं होगा तो किसको होगा? ये बताइए कितने दिनों से उनसे आपकी बात नहीं हुई है? सुबह में बात हुई, अभी कहीं निकले हैं, यहीं पे रह रहे हैं। हाँ यहीं पे रह रहे हैं। आएंगे मनीष जी? आएंगे, आएंगे, कभी आएंगे, कखनियों आएंगे। नहीं नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि वो तो घर ही में मौजूद हैं। तो मिल रही है तो जाइए प्रशासन को बुला के लाइए, वो समझेगी। पेन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपसे किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको 4 मई की रात मनीष कहाँ थे? मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। 4 मई की उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनी चक के सेल्टर में रखे हुए थे, जहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे मनीष जी, मनीष से पूछिए। के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करके और उसके बाद छात्रों को पहुंचाए हैं वो। तो जाने प्रशासन, प्रशासन से जो है ना, प्रशासन पे भरोसा है आपको? आप उनको छुपाएंगे तो आप भी फंसिएगा। हाँ हम फंसेंगे, हम छुपाएंगे तब ना हम फंसेंगे। कहाँ है मनीष? आपके घर में है मौजूद, तो उनको बाहर निकलने के लिए बोलिए, आके बात कर लें। अपना पक्ष तो रखिए, नहीं रखना हमको आपके पास अपना पक्ष। मनीष जी क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? एनजीओ चलाते हैं, अकाउंट्स, एनजीओ का अकाउंट्स लिखते हैं, छोटा छोटा जो एनजीओ होता है ना उसका अकाउंट। 4 तारीख को मनीष जी अकाउंटेंट का काम करते हैं और ये प्रॉपर्टी डीलिंग में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो छात्रों से संपर्क कैसे हुआ? गांव का है, सब गांव के इधर का है। दनियामा, सिंगरियामा, मछरियामा कितना दूरी पे है, क्यों नहीं जानेंगे? आप अपने गांव में, आसपास के गांव के लोगों को नहीं जानते? घर में बच्चों को रखने के क्यों गए थे मनीष? संजीव मुखिया को जानते हैं आप लोग? नहीं हम नाम भी नहीं सुने भैया। सिकंदर यादवेंदु को? सिकंदर यादवेंदु आशुतोष के घर पे गए थे? आशुतोष के घर, अनुराग यादव के घर पे जाना आना बहुत पहले से होता है, आज से नहीं, बहुत पहले। 4 तारीख को गए थे क्या? अब हमको ये नहीं पता कि कहाँ गए, कैसे गए, नहीं गए, हमको कोई जानकारी नहीं। 4 तारीख को आपकी कोई बातचीत हुई हो मनीष जी? कोई बातचीत नहीं हुई। ये बताइए 4, 5, 6, 3 दिनों तक, 3 दिन कहाँ थे मनीष जी? घर पे थे, सुबह निकलते हैं रात 10-11 बजे तक घर आ जाते हैं। अब बाकी घर बाहर क्या करते, क्या डेली का क्वेश्चन क्या कीजिएगा आप, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? नहीं नहीं, पत्नी है तो जानकारी तो होगी ही होगी ना। देखिए अब उनका कोई भी आदमी अगर गार्जियन घर से बाहर निकलता है तो उसको जानकारी होती है पत्नी को, शामिल है नहीं है क्या? नहीं है। आशुतोष का यह आरोप है कि उन्होंने ही बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचाया था, क्वेश्चन पेपर लेकर पहुंचे थे, वही छात्रों को दिया गया, एविडेंस भी मिटाने की कोशिश की उन्होंने। तो आशुतोष से पूछिए ना, क्यों किया, कैसे किया, नहीं किया, हमको क्या पता। मनीष के बारे में, मनीष के बारे में। हाँ तो मनीष के बारे में आशुतोष बताया ना, तो आशुतोष से प्रूफ मांगिए ना, हमसे क्यों मांगे? हम बोले किसी का नाम लिए हैं अभी? हम किसी के बारे इस मामले में या किसी मामले में हम कुछ नहीं जानते हैं। प्रशासन को आप लोग सहयोग करिएगा पूरा, हम फुल खुद सहयोग करेंगे प्रशासन। आपको क्या जानकारी मिली है? आपको लगता है कि मनीष जी बस न्यूज देख रहे हैं, इस तरह गंदा करते हैं? नहीं करते हैं, कभी नहीं किए हैं इस तरह का काम।